नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि अभी यूपीएसआई का आपका आंसर की आ गया है, सभी बच्चों ने अपने अपने जो है रिस्पांस की को मिला लिया है। अब सभी के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा है जानना कि कट ऑफ क्या होगी, रनिंग की तैयारी हम करें कि नहीं। सभी ने अपने रिस्पॉन्स की में अपने अपने मार्क्स देख लिए हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और जिन क्वेश्चनों में आपके डाउट हैं उस पर आप क्लेम कर सकते हो। हो सकता है कि दो चार क्वेश्चंस के लिए आप इधर उधर हो रहे हो, जो आपके मन में डाउट है वो चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात जो आपके मन में उठ रही है कि कट ऑफ क्या होगा, क्या सर मैं रनिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ। तो इस कट ऑफ के बारे में तो मैं भी अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मुझे मेरी टीम को समय दीजिए। समय इसमें लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ मेथड कई हैं आपके, 54 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है और 54 शिफ्ट में जो इक्वी परसेंटाइल मेथड लगेगा वो आपके रिस्पांस की जो आई है और जो बच्चों ने हर शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो खुद डेटा जब भरेंगे कि उनमें किस शिफ्ट के थे, स्कोर कितना रहा है, तब जाके कुछ एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, किस दिन का किस में सबसे ज़्यादा स्कोर किए गए हैं किस दिन वाले शिफ्ट में। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं और इसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए समय लगेगा। मैं यहाँ पे आके सीधे सीधे कट ऑफ बता दूँ तो वो गलत होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के मार्क्स किन्हीं के कम आए हैं, किसी के ज़्यादा हैं, तो कम वाले ये ना सोचें, जैसे किसी के 105 आए हैं तो वो सोच रहा है कि अब मैं रनिंग की तैयारी करूं या ना करूं। तो ऐसा मत सोचिए कि रनिंग की करना है कि नहीं करो, करो जैसे अभी तक करते आ रहे थे, ज़रूर करिए। 14 तारीख को टीम पूरी तरह से आपके ही बीच से डेटा को ले आएगी और भी डेटा एनालिस करेगी, उसके बाद से एक सर्टेन कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करेगी। उसके लिए सभी अभी मुझे समय चाहिए, मेरी टीम को समय चाहिए, तो बस उसी के बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। 104, 105 वाले जो बच्चे हैं बोल रहे हैं फ़ोन करके, सर मेरे 104 सही हैं, 105 क्या मैं अगले स्टेज के लिए तैयारी करूँ या ना करूँ। यहाँ मेन है पॉइंट आपका कि किस शिफ्ट में था, किस दिन आपका पेपर था और आपके पेपर का टफनेस कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था या टफ था। तीन ही हो सकता है कोई चीज़, लेवल आपके पेपर का तीन ही हो सकता है, ईजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या टफ हो सकता है। अगर आप टफ पेपर में 104 लेकर आए हो और कोई बच्चा इजी पेपर में 120 क्वेश्चन करके आया है, तो ऑन अप्रोक्स मैं कहूं कि आप कहीं ना कहीं उसके इक्विवेलेंट हो और यहीं पर लगेगा आपका इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन मेथड होता है और ये हर एग्जाम में यूपी के लगता है, ये बैंक में भी इसी मेथड से काम होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर भी इक्वी परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन का है, वो लगेगा कि परसेंटाइल निकाला जाएगा, तो उस पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि परसेंटाइल का इम्पैक्ट क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि जो आपके रिस्पांस की में जो गलत क्वेश्चन जिस भी सेक्शन में मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके स्कोर पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा मोड़ा होगा, और वो कैसे निकलेगा उसको भी जान लो। तो इक्वी परसेंटाइल का मैं मतलब आपको बता दूं, इक्वी परसेंटाइल का मतलब होता है, यहां देखो एक फॉर्मूला होता है इसका, कि टोटल कैंडिडेट इन शिफ्ट, जो भी आप शिफ्ट दे रहे हो, तीन शिफ्ट में आपका पेपर होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, मान लो ये इजी था शिफ्ट, ये मॉडरेट शिफ्ट हो गया और ये टफ शिफ्ट हो गया, ये तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, टफ हो सकता है। तो एक शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने आपके भाग लिए हैं, सपोज करो इजी शिफ्ट में किसी ने 120 क्वेश्चन करके आया है, मॉडरेट में ये क्वेश्चन 115 आपका ऑन अप्रोक्स 112 113 क्वेश्चन मान लो कि यहां पे चला आया, और टफ वाले शिफ्ट में ये 100 से लेकर 105 के बीच में अगर गिर रहा है, ठीक है, 100 से 105 के बीच में गिर रहा है, इसे मान लो हाँ 112 से 13 मान लो, 105 से इसको 105 से 108 मान लो, ऐसा कुछ मान लो, 105 से 107 के बीच में मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ टफ वाले में गिर रहा है, 105 से 107 के बीच में गिर रहा है, और ये इजी शिफ्ट थी, ये मॉडरेट था और ये टफ था। ऐसे केस में
आप क्या करोगे कि यह सोचेगा टफ सीट वाला बच्चा कि यार मेरा तो होने वाला नहीं है, मैं क्यों अगले स्टेज की तैयारी करूं। ये पहले आपको देखना पड़ेगा, बच्चों के डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपके शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स खुद पूछना पड़ेगा जो उस दिन एग्जाम दिए कि अरे यार तुम्हारा स्कोर कितना हो रहा है, तुम्हारा स्कोर कितना हो रहा है, इससे पता चलेगा। ठीक है, तो हम शिफ्ट वाइज डेटा का कलेक्शन करेंगे, तब 14 तारीख के आपके सामने एक कट ऑफ प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं कट ऑफ पे कुछ भी बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं ये श्योर कर रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो शिफ्ट हो वो टफ हो। तो यहां पे इक्वी परसेंटाइल लगाया जाएगा। सपोज करो जो ये मैंने लिखा कि यहां पर 120 क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है, 120 वाला, चाहे मैं टॉपर की ले लूं, टॉपर की बात करें तो टॉपर इजी शिफ्ट में मान के चलो 400 का है तो 380 मार्क्स पाया है, 380 नहीं ज्यादा हो गया, पा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि टॉपर नहीं पा सकता है 380 मार्क्स। मैं यहां बात करूं कि मान लो 370 मार्क्स पाया इसने टॉपर, यहां पर यहां का टॉपर इजी शिफ्ट में 370 मार्क्स लेके आ रहा है, मार्क्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। और मॉडरेट वाले में मार्क्स आपके आए कितने, अगर ये 370 लेके आ रहा है तो यहां का टॉपर जो मॉडरेट वाला है वो कहीं ना कहीं 300 आपका 60 के अप्रोक्स मार्क्स लेके आ रहा है, 10 नंबर का अगर कहीं ना कहीं उसके अंतर पड़ रहा है, 355 से 360 मार्क्स ले आ रहा है। और टफ सीट वाला, टफ जो है सबसे ज्यादा टफ है उसका जो टॉपर है वो आपका कहीं कहीं किस पे पड़ रहा है, 350 मार्क्स पे पड़ रहा है, ठीक है, 350 या 340 मान लो, ऐसे टफ शिफ्ट में पा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया जाएगा और सभी को, इसको भी 100% क्योंकि ये टॉपर है 370 मार्क्स, और ये भी इस शिफ्ट का जो मॉडरेट शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट उस शिफ्ट का टॉपर है, तो इसको भी 100% दे दिया जाएगा और इसको भी 100% दे दिया जाएगा, तो सबको इक्वी परसेंटाइल कर दिया गया। यही मेथड कहलाता है कि जो रैंक है, इसकी रैंक क्या है, 1 है, जो भी बच्चा है जो 370 लाया है, इसमें जो 360 लाया है इस वाले शिफ्ट का वो रैंक 1 होल्डर है और इस वाले शिफ्ट का वो रैंक 1 होल्डर है, ठीक है। तो इनको इक्वल परसेंटाइल कर दिया गया, तो वही ये फॉर्मूला लगता है कि टोटल कैंडिडेट इन शिफ्ट, रैंक ऑफ कैंडिडेट इन डेट शिफ्ट, उस कैंडिडेट का उस शिफ्ट में क्या रैंक है, और नीचे टोटल कैंडिडेट जो शिफ्ट में है -1 × 100। जैसे अगर मैं बात करूं एक रैंक वाले को ले लूं तो टोटल कैंडिडेट शिफ्ट में मान लो मैं 100 लेके चलता हूं, ठीक है, और यहां से 100 - 1, ठीक है, रैंक 1 वाला, और यहां पर 100 - 1 करना है × 100, तो देखो ये चीज तो कट गई, 100% है। तो वही बात है कि यहां पे सबको क्या कर लिया गया, जो टॉपर है हर शिफ्ट के अपने इजी मॉडरेट और टफ वाले का, उनको इक्वी परसेंटाइल कर दिया गया, सबको 100 100 100% दे दिया गया। ऐसे ही जो इस रैंक का दसवां बच्चा होगा, इस रैंक का दसवां बच्चा, चाहे 50वां बच्चा, इस रैंक का 50 रैंक जिसका होगा, जिस बच्चे का इस वाले शिफ्ट में 50 रैंक होगा, उसके मान लो 220 मार्क्स आ रहे हैं, इसके 50 वाले रैंक के बच्चे का मार्क्स आ रहा है 190, और इस वाले 50 मार्क्स के, इसमें जो 50वां रैंक है उसके मार्क्स आ रहे हैं 170 चाहे 160, ठीक है। तो ये सभी इक्वल मार्क्स कहला जाएंगे, ये सभी को क्या करेगा, इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इक्वल कर देगा, दोनों में इन तीनों के में अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि रैंक से लेना है हमें, ना मार्क्स से लेना है ना क्वेश्चन से लेना है। तो ये परसेंट नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या करता है, सभी शिफ्ट में टफ, मॉडरेट और उस टाइप को देखेगा और सबको एक जैसा कर देगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, तब जाके आपके कट ऑफ जो है निकलता है। इसीलिए अभी कुछ भी कहना जब तक ये ना पता चल जाए कि कौन सी शिफ्ट टफ थी कौन सी शिफ्ट आसान थी, ये नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो इक्वी परसेंटाइल वाला, ये ओवरऑल तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी लगता है। कोई बच्चा सब्जेक्ट में सोचा कि मैं 14 क्वेश्चन करके आया हूं सेफ हूं, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट जो है इजी हो और इसमें बच्चे और क्वेश्चंस किए हों, तो जब नॉर्मलाइजेशन आपका होगा मैथ वाले, मान लो मैथ में आपने 14 क्वेश्चन किया, आप सोच रहे हो मैं पास हो जाऊंगा सेक्शनल इसका, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हो सकता है आप 13 पे गिर जाओ,
ठीक है, 12 पे गिर जाओ क्योंकि आपकी आसान शिफ्ट थी। ठीक, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं इक्वी परसेंटाइल में, ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये आपका पता ना चल जाए कि पूरे डेटा ना आ जाए स्टूडेंट का, अच्छा खासा 20-25-30 हजार का डाटा ना रहे, तब तक एनालाइज करना मुश्किल है कि हाँ क्या हो सकती है कट ऑफ। क्योंकि जब तक शिफ्ट का नहीं पता चले कौन से शिफ्ट में किस दिन, थ्री फेज में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, थ्री फेज में थ्री कंडक्ट आपके थ्री शिफ्ट हुए हैं, तो 54 शिफ्ट में कौन कौन से दिन के शिफ्ट टफ थे, किसमें बच्चों के ज्यादा स्कोर बने किसमें कम बने, उसके अकॉर्डिंग ही आपके कट ऑफ डिसाइड होगा। तो डिमोरलाइज नहीं होना है, बच्चे की जो 105 पा रहे हैं तो वो घर बैठे हो अब रनिंग ना करो, करो ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चांसेस हैं कि हो सकता है आपके शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स उतने ही बन रहे हो, बहुत ज्यादा ना बन रहे हो, तो आप जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनके बराबर पहुंच जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात मैं ये लेके आया हूं कि जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उनका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा, माइनर सा पड़ेगा। देखो जो आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके डाउटफुल लगे हैं, जो कम मार्क्स पा रहे हो सभी पे क्लेम करो, ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए। ये क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज होता है, एक आपके नोटिफिकेशन में फॉर्मूला दिया हुआ है कि जिस सब्जेक्ट में, मान लो मैथ का कोई सेक्शन है उसमें दो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब मैथ के सेक्शन 40 क्वेश्चन का है तो दो क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब 38 क्वेश्चन आपके पास बचेगा, ठीक है, और 40 क्वेश्चन इंटू ढाई था, टोटल कितने मार्क का था, 100 मार्क्स का था ये 40 क्वेश्चन, लेकिन अब इस आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 38, क्योंकि दो क्वेश्चन उसमें गलत है। तो अब 38 क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, पूरा 38 जो क्वेश्चन है आपका और आपके सेक्शन का मार्क्स कितना है, 100, ये कर दिया जाएगा। तो जब 38 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 2.65 समथिंग का हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, 2.6 का हो जाएगा। अभी हमारा 2.5 था लेकिन 38 क्वेश्चन हो जाएगा जैसे ही दो क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया, उसे गायब कर दिया जाएगा उस सेक्शन से, यही पिछली बार भी हुआ था, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये 2.65 समथिंग का आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब वहां आपकी डिपेंड करेगा एक्यूरेसी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक्यूरेसी क्या नॉर्मलाइजेशन में मायने रखेगी, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मायने नहीं रखेगी, एक्यूरेसी वहां मायने रखेगी जहां आपके सेक्शन में जिस सेक्शन के क्वेश्चंस गलत हो गए, अगर ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका एक्यूरेसी मायने रखेगा। जैसे अब ये मार्क्स उससे मल्टीप्लाई होगा जितने आपने उस सेक्शन में सही प्रश्न किए हो, मान लो कोई बच्चा 20 ही सही प्रश्न किया तो उसके मार्क्स तो कम हो जाएंगे, और यही पर क्योंकि मल्टीप्लाई ना, अगर किसी बच्चे ने 40 सही कर दिया उसी सेक्शन में तो उसके मार्क्स तो 80 होंगे ना, तो यहां एक्यूरेसी में जो है मायने रखेगी, बाकी आपके नॉर्मलाइजेशन में कोई एक्यूरेसी मायने नहीं रखेगी। और जब इस सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होगा, समझ रहे हो, इक्वी परसेंटाइल निकलेगा, तब ये एक्यूरेसी इसका फायदा कर जाएगी, ये ध्यान रखना। बाकी कहीं भी पूरे पेपर में अगर पूरा आपके 160 के 160 प्रश्न सही हैं तो एक्यूरेसी का कोई नॉर्मलाइजेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत माइनर सा पड़ेगा। जब बच्चे यहां पर मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन आप 2.65 का हो जाएगा और आपने अगर सिर्फ 20 किया और किसी बंदे ने उसी सेक्शन में 40 क्वेश्चन किया है तो ये जाहिर सी बात है इसके ज्यादा मार्क्स होंगे और आपके कम मार्क्स होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां एक्यूरेसी का सिर्फ महत्वपूर्ण रोल है, बाकी और कुछ नहीं है। एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए आप 14 तारीख का इंतजार करिए, उस दिन पूरी टीम एनालाइज कर रही है, बच्चों से डेटा मांगा गया है, जैसे ही डेटा आ जाता है किस शिफ्ट में टफ क्वेश्चन थे कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए जिसके भी कम क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, जिस मेरे हिसाब से अगर आप 110 के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं तो आप रनिंग करो, ठीक है, जो भी करना हो, ऐसा नहीं कि आप 105 वाले नाराज हो जाना मेरे से, नहीं करो, जब तक 14 तारीख का इंतजार करो, 14 तारीख को आपको कहीं ना कहीं लमसम हम कट ऑफ बता देंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।